हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये नोटिफिकेशन जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है। दोस्तों बम्पर भर्ती है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइल क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन फी, ऑल दिस थिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आपको सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलते रहेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये देखिए, हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड वेस्ट बंगाल ने निकाली हुई है वैकेंसीज, और वैकेंसी है स्टाफ नर्स के लिए, राइट, ग्रेड टू के लिए। उसमें आप देखिए, ये वेबसाइट है www.bhrb.in। 13 मार्च से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा और 23 मार्च तक ये जाएगा, राइट। तो इसमें देखिए, पोस्ट आर टेम्प्रोरली बट लाइकली टू बी परमानेंट इन फ्यूचर। अभी जो पोस्टिंग होगी वो ऐसे होगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, एंड देन फिर जाके फ्यूचर में ये परमानेंट हो जाएगा। लाइकली, मोस्ट प्रोबेबली है कि ये फ्यूचर में परमानेंट आपकी जॉब हो जाएगी, बट अभी ऐसे ही होगा कि कभी भी ये परमानेंट नहीं माना जाएगा, राइट, बट कुछ टाइम के बाद ये परमानेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर होगा 34,136 रुपया सबके लिए सैलरी है, प्लस पीएफ मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा एंड ऑल दिस थिंग। इसमें दिया हुआ है 29,800 की बेसिक सैलरी हुई, उसके बाद इसमें एडिशनल होगा यूनिफॉर्म, वॉशिंग, जो वॉशिंग होगा, एमिनिटीज़, अलाउंसेस एंड एडमिशिबल इसमें लगा के मिलेगा, राइट, जो कि 34,136 हो गया, प्लस पीएफ मिलेगा, प्लस ग्रेचुटी मिलेगा, वो आपके अकाउंट में जाएगा, ये आपको इन हैंड एवरी मंथ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी। दोस्तों देखिए, 9,333 वैकेंसी है, राइट। जीएनएम के लिए यहाँ पे देखिए कितनी वैकेंसी, जेंडर के लिए 548, फीमेल के लिए, मेल के भी वैकेंसी है, मेल के लिए भी। एससी के लिए 1760, एसटी के लिए 400, ओबीसी ए के लिए 983, ओबीसी बी के लिए 989, पीडब्ल्यूडी के लिए 462 और मेल के लिए 16। उसी तरह बीएससी नर्सिंग के लिए जो है सिर्फ मेल, फीमेल के लिए 1736, जेंडर के लिए, एससी के लिए है 1086, एसटी के लिए 358, ओबीसी ए के लिए 703। उसी तरह आप देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, इसमें सिर्फ फीमेल के लिए है वैकेंसी दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 9,333 वैकेंसी है। अब क्वालिफिकेशन जो है इसमें जो है एलिजिबिलिटी, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन है जनरल नर्सिंग होना चाहिए, मिड वेफ्रे या बेसिक बीएससी नर्सिंग चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स पास्ड फ्रॉम एनी नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड रिस्पेक्टिव स्टेट, या वेस्ट बंगाल स्टेट या यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, पंजाब स्टेट, किसी भी स्टेट से होना चाहिए, दे कैन अप्लाई, राइट। रजिस्ट्रेशन एज फीमेल और मेल नर्सिंग वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल नर्सिंग नर्सिंग काउंसिल, रजिस्ट्रेशन एज मेल एंड फीमेल नर्स मिडवे फ्रॉम, रजिस्टर करेंगे सिर्फ इसे वेरीफाई होना चाहिए, अदर भी कर सकते हैं, इसमें लिखा है कि ओनली वेस्ट बंगाल। नॉलेज ऑफ बंगाली एंड नेपाली, नॉलेज आप बोल सकते हो और लिख सकते हो नेपाली और बंगाली, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन लगा दिया दोस्तों कि सिर्फ मोस्टली बंगाल वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे दिया है बंगाली या नेपाली आपको लिखने के लिए और बोलने के लिए आना चाहिए, यहाँ कंडीशन लग गया जो कि बहुत सिर्फ सेपरेटेड हो गया, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेस्ट बंगाल के लिए, राइट। 18 से 39 साल मैक्सिमम एज है। एससी एसटी के लिए जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा होता है, ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा होता है, तो वो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लग जाएगा, राइट। वैसे 39 मैक्सिमम एज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट हैव अपलोड द नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद सारा को फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप सर्विस में हैं कहीं वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, राइट। एग्जामिनेशन फ़ी 210 रुपया है, और एग्जामिनेशन फ़ी के लिए जी आर गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम, उससे जाके आपको
पेमेंट करना पड़ेगा। उसका लिंक दिया हुआ है, ये देखिए ये लिंक है, इस पे जाओगे, एप्लीकेशन शैल बी मेड इन द फॉर्मेट एज अवेलेबल इन वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप पेमेंट 210 रुपीज़ कर सकते हो। SC ST कैंडिडेट जो वेस्ट बंगाल के हैं और डिसेबल पर्सन जो वेस्ट बंगाल के हैं उनको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और OBC कैंडिडेट को पेमेंट करना पड़ेगा, उनको ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे सिलेक्शन प्रोसेस, जो रिटेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, रिटेन एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको यहाँ पे दिया गया है ना, जो 40 नंबर जो आपका पूछा जाएगा नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद एडिशनल जो है 20 नंबर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जैसे आपका 10th का हो गया, 12th का हो गया, या फिर आपका ये नर्सिंग का हो गया, तो उस पे होगा। जैसे नर्सिंग का है आपका, अगर 51 से 55% आपका मार्क्स है तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर 55 से आपका 60 मार्क्स है, 56 से 60, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, तो उसी तरह आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। सपोज कीजिए आपका 90 मार्क्स है तो कितना हो गया आपका, 60 तक गया, उसके बाद आपका 60 से 70 तक जाएगा तो आपको कितना मार्क मिलेगा, 8 मार्क्स। उसी तरह आपको 8, उसके बाद 10 मार्क्स मिलेगा आपको कहाँ तक, 70 तक, और उसके बाद आपको मिल जाएगा उधर 10 मार्क्स मिल जाएगा, दो दो मार्क्स मिल रहा है, 4 मार्क्स मिल रहा है 10 पॉइंट पे, ठीक है। और तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा 55 60 तक, 4 मार्क्स और 4 5 5, तो आपका 80 90 100 तक आपका है, तो 90 तक तो आपको 120 मार्क्स मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ सो ऑन लिखा हुआ है, 5 5 के परसेंटेज मार्क्स का आप ऐड कर सकते हैं, जैसे 55 से 60 जाएगा 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स, और 61 से 65 तक 6 मार्क्स, उसी तरह आपको सो ऑन हो जाएगा। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस दिया है, 6 महीने से 1 साल का आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको मिलेंगे उसके बाद 10 से 10 नंबर मिलेगा, 10 नंबर। उसके बाद अगर आपका 1 साल से 1.5 साल है 15 नंबर मिलेगा, और 1.5 साल से 2 साल है तो 20 नंबर मिलेगा, 2 साल से ऊपर है तो 25 नंबर मिलेगा, 15 नंबर इंटरव्यू के 100 नंबर हो गए दोस्तों। तो दोस्तों ये था ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दिस रिक्रूटमेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। 933 वैकेंसी दोस्तों, सैलरी 34,000 से ज़्यादा है दोस्तों, फॉर्म फिल कीजिए, ओके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी फॉर्म फिल कर सकें। और अगर इस तरह का और नोटिफिकेशन आपको चाहिए होगा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो ई एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।